Guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, we are ready for the engagement. मैंने पहना है ये गाउन जो आपने देखा होगा जतिन की शादी पे एंड ये पीके का न्यू लहंगा जो कि बहुत सुंदर है. बाहर जाके दिखाऊंगी बहुत सुंदर है. एंड ग्लव्स, ओह माय गॉड, एन्चेंटेड फॉरेस्ट. एंड दिस इज मी. मैंने बाल थोड़े स्लीक से करे हैं और ये लगाया है जिसको लगाने में मुझे 25 घंटे लगे और मैंने कम से कम कितने तो वेस्ट ही कर दिए. 25 घंटे लगे गाइस, थोड़ा ही सेम. और मैं मोटी हो चुकी हूँ यार, यहाँ कितना खा लिया मैंने, पेट दिख रहा है मेरा. तो आज मैं पूरा टाइम ऐसे रहने वाली हूँ. नमस्ते जी, कैसे हो? नमस्ते. और ये एच के आ चुका है वेटर बन के. तुम्हारा खाना कहाँ है? फुल वेटर. हाउ डू आई लुक? ज्यादा सुंदर लग रही हूँ. आई थिंक मैं ज्यादा सुंदर लग रही हूँ. और मैंने नीचे मेरे जूते. Because I was done with that heel. Good decision. Yeah. भाग भाग के खाना खाने. भागो खाना खाओ. भागो खाना खाओ. अब हम जा रहे हैं गाइस, सोए थे डेकोर. बहुत सुंदर डेकोर होने वाला है. मैं मूवीज वाली बैठी और पूरी वेडिंग अभी तक भाई. प्रीति गाइस. पूरी वेडिंग ऐसे भाई. और लोग थोड़ा सा इधर से लात मार बस फन को. बस वो तो गया. टॉर्चर करके अच्छे से वीडियोस बनवा ली है और सबने हमें बहुत ज्यादा भूल लिया. अभी अंकल हमें और क्या फैंसी वेडिंग है. ओ माय गॉड. और मेरे घर में सबने ब्लैक पहना है. बहुत अच्छी लाइटिंग आ रही है. एकदम टीवीडीज करेक्टर लग रहा था. होगा फक भाई, बहुत हेट मिलने वाली है. बहुत हेट मिलने वाली है. हेट क्या बोला इसने? अरे सबसे रेडी हो गया. कोई आया नहीं. देखो यार गाइस, देखो इतना ज्यादा झूठ नहीं बोलना था. आउच भाई. गोल घूम, गोल घूम यार, घूम यार. मैं वो पीस ले लूंगी. ऊपर वाला हाथ ऊपर, ऊपर का ऊपर वाला हाथ ऊपर का. ऊपर वाला हाथ ऊपर कैसे करते हैं भाई? पीछे वाला हाथ ऊपर का. चल 1 2 3 गो. ये क्या भाई? मैं पानी पानी हो गई. लोग का काम है देखना. नहीं करूंगी. तुम्हारे काम है दिखाना. नहीं नहीं भाई, इतना भी नहीं दिखाना. घर वाले दिखा देंगे वरना. कितनी जल्दी बंद कर दिया यार. ये झाड़ू आया, ब्लू झाड़ू. ये हमने रखा है जान के सफाई के लिए. जतिन का आया तेरे वाले पे प्रिंसेस एंड हर बुढ़ा. कैमरा लेंगे पर मेरी हेल्प की जा रही है. ओह माय गॉड, ये क्या क्या लड़ाओगे. और ऐसे फॉल बनवाओ गाइस, यही होता है. मैंने 1 लाख फोटोज क्लिक करा ली है गाइस. मजाक भी नहीं करी. 1 लाख, 1 लाख मेरी, 1 लाख एच की जी और 1 लाख की जी. वी आर ऑल सेट टू एंजॉय द फंक्शन. और मेरी मेहंदी देखो गाइस, जब नहीं चढ़ानी होती तो चढ़ जाती है. ये वाली भी चढ़ गई. ये देखो अगली मेहंदी, अगली. आप लोग अपने रिस्पेक्टिव साइड्स पे चले जाओ. Yeah.
विचलित हो गया था पापा को, रोना आ गया था मम्मी जब उन्होंने मिट्टी जपी भाई फिर मैंने बोला अच्छा आप तो मेरे ब्लॉग में आए नहीं रहो बिल्कुल भी यार पागल तो नहीं है बिल्कुल ब्लॉग क्या हो गया एटीट्यूड में आ गए हो क्या बहुत जेलस हो गए हो क्या ओह नो माय गॉड बहुत मजा आ रहा है हमने बहुत एंजॉय किया क्या का वेदर बहुत अच्छा है आपकी 35th एनिवर्सरी ऐसे करा दे पापा आपके लिए पियानो बजाएंगे ओल पक्का ढोल बजाएंगे ढोल नहीं पापा अपना ढोल बजाएंगे पापा ढोल बजाएंगे मैं बैठ के दिखाऊं ये सब कुछ इम्पॉसिबल है गाइस इसीलिए बोला जा रहा है हां गाइस पियानो की जगह पियानो की वो पीस निकाल के निकाल देंगे हाथ में बाप मन विचलित हो गया था जब उन्होंने पियानो बजाया ना जब वो जाके हटे और जो जब उन्होंने कन्नू से चप्पी पाई तो मेरा मन बड़ा विचलित हो गया मुझे बहुत अच्छा लगा मैं वाह वाह हो गया विचलित का मतलब क्या होता है मत कर इसमें मन भर गया मन भर गया खुश हो गया अब प्रिया बताएगी प्रिया आपने कितना एंजॉय करा यहाँ पे अभी तो ये ट्रेलर है अभी तो हमने कल तक अभी बाकी है अभी तो हमने कल तक बहुत 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 अभी डांस परफॉर्मेंसेस भी आने वाली है Yes. कनिया ने कैसे ट्वर्क किया था सुबह ऊंचा कर दिया ऊंचा नकली फ्लावर है भाई कर दो पियानो तो बजाया नहीं जा रहा प्रिया कट इतना ही बैठा जाते हैं गाइस छोटे काम नहीं करते ज्यादा गोटे गोटे चाव हो गया ना अब लाइटिंग देख गोटे गोटे चाव ये तो बोलूंगा सबको अभी तो मैं बोलना गोटे गोटे चाव ना कोई नहीं सुनेगा ये तो बंदा पागल हो जाएगा पागल मेरे पास आया चुपके से सच में बिल्कुल भी नहीं आ रहा ब्लॉग थोड़ी मेरी डाल दी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टेंशन हो गई पापा को मेरा एक बीट जा चुका है गाइस मैं आपको अपडेट दे कौन बताए कि इसका ब्लॉग चली पापा के जैसे ओ माय गॉड ओवर हो गया फोर टाइम अपनी प्लेट नहीं डाली गई मेरे में से मैट्रिमोनी अलसी आंखें सब को बताके जाते मैट्रिमोनी अलसी आंखें ढूंढे देते हो सुशीला I'm a cookie.
जाओ दिल दीवाने, खुशबू है या नशा, पास आओ तो मैं देखूं जरा, ओ दिल दीवाने करता मुझे देख मुझे दोबारा। आज हम प्रॉमिसेस वाउज लेने वाले हैं। मैं कनिका कटियाल, ये प्रॉमिस करती हूँ उनको देके कि शादी के बाद मैं निखिल के पेरेंट्स का पूरा पूरा ख्याल रखूंगी। ये तो अभी एक्चुअली शुरुआत है, हम थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कनिका कटियाल, ये प्रॉमिस करती हूँ कि शादी के बाद चाहे कुछ हो जाए निखिल का फोन कभी चेक नहीं करूंगी। ये पॉसिबल नहीं है। कनिका के तो पूरे डाउट्स और सब कुछ मतलब एकदम क्लियर है। निखिल आपको बोलना है मैं निखिल चावला उन्हें देख कर या मुझे देख कर क्यों बोलोगे? मैं निखिल चावला शादी के बाद ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर कभी मेरी और कनिका की लड़ाई होती है तो मैं सबसे पहले जाकर सॉरी बोल दूंगा क्योंकि मेरे पापा भी ऐसा ही करते हैं। मैं निखिल चावला ये प्रॉमिस करता हूँ कि शादी के बाद कनिका को खूब सारी ट्रिप्स पे लेकर जाऊंगा जहाँ मेरा सिर्फ एक ही काम होगा फोटो की। मुझे पता है पिक्चर्स क्लिक कर। ओह यस, दोनों तालियां हो जाए। कम ऑन, मैं राजकुमार कटियाल ये प्रॉमिस करता हूँ कि मोनिका आंटी को बहुत मन करूंगा। आप ऑल द फ्रेंड्स ऑफ निखिल आंटी आई आप हमें स्टेज पे आके ज्वाइन करें। मोनिका जी, मोना डार्लिंग को बहुत तंग करेंगे। आशीष को तो मैं भूल नहीं सकती जो मैंने आज मूव किए ना यहाँ पे। कभी बोल नहीं सकती विक्की कौशल को बीट। मैं मोनिका कटियाल ऊपर से पापा दारू है, दारू आपके बच्चे पीते नहीं। ओह माय गॉड, नो। वो तो 15 मिनट से हमें मना रही है कि चले जाओ आफ्टर पार्टी पे, आपने आते ही रायता बना दिया। क्या बूझे क्या पता यार। लेकिन पापा सही बात है, वहाँ पे करना क्या है। मैं तो ये कहूँगा आपको आफ्टर पार्टी में बिल्कुल नहीं जरूर जाना चाहिए। डर गए, ये आंखें काफी है भैया। अरे दादाजी कहाँ से आ गए। बड़ा कमरा यार, हर चीज बढ़िया तुम्हारे पास। क्या रे, हर चीज बढ़िया तुम्हारे पास। तुम्हारी बहन क्या इधर भी फ्रिज तुम्हारे खाना। पापा ने 2 लाख का डियोर सेट पहना आज।
पापा क्या बात है, आप तो बड़े अमीर हो। मैं ऐसे यार मैं बैंडेड जी डालता हूँ। बैंडेड तो मैंने ऐसे बोल दिया था, पता है कितने का है? कह रहा मेरा मुंह मत खुलवाना। अरे कैमरा चल रहा है, अंदर कुछ ना कुछ करना ही। चलो डालो यार, तुम चेंज कर लो ना, मैं तो तुम्हारी वो देखने आया था आफ्टर वाली ड्रेस। नहीं मौके बहुत मिलते हैं, वहाँ पे चार शादियों और लाइन अप है। और अभी और मौके देने हैं मम्मी को। पापा ड्रग पार्टी छोड़ना है यार, आफ्टर पार्टी है सर। अभी मैंने देखा था वहाँ पे एक बंदे ने ऐसे लिया इंजेक्शन में ले गया इंजेक्शन। मैं कहा क्या, कहते पैक गया ये इंजेक्शन पैक। देखा हमने तो बहुत देखा। मैं चलो जाओ आफ्टर पार्टी जाओ जाओ बेटे, आप भी चलो, कोई फोटो फोटो खींचांगे। जा तो सकते हैं ना, हमें चलने दो, मना नहीं कर रही। चले गए जाओ, मैं भी नाल नाल घूमवा भी। चलो नाल सेब तो नहीं खा गए होंगे, सेब तो खाई ही जाते हैं। अब मैंने खाना नहीं था, खाऊं मैं खाना नहीं सी खाना नहीं था, लेकिन अब खाऊंगा। उसको खराब हो जाएंगे तुम्हारा है। सर आपको नहीं दिया, नहीं मैंने कहा यहाँ तो नहीं आया। फिर एक बोल रहा है मैं तो डालूंगी। तो क्या होगा, सबको पता है, सब मजाक करते हैं। उन्होंने कितना मैं ले दे रोटी ली, गाय में मजाक कर रहा हूँ। ये दो ही हम आफ्टर पार्टी के चार हो गए गाइस। मम्मी ने हमें इन्फ्लुएंस कर लिया यहाँ बैठ के, हम चार हो चुके हैं रेडी। यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग जा रहे हो, मेरा दिल बाग 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 हो गया। सच्चाई बताओ, सच्चाई मुझे जलन हो रही है। और वहाँ पे कोई गंदा काम नहीं करना, हम तो पियेंगे। भेज रहे हो तो बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा ना। पहले सब बोल देगी जाओ बेटे जो मर्जी करो एंजॉय करो, फिर ये क्या करा बेटे आपने। गाइस बहुत जोर से कट गया है, इतना पूरा तैयार हुआ। वो कह रहे हैं पजामा पार्टी है, मैंने कोट उतार के, ड्रेस कोड हो चुका है पजामा। मैं आऊँ ड्रेस कोड के हिसाब से, मैं तो नहीं चेंज करूँगा ड्रेस कोड। मम्मी को भरोसा, मम्मी को भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं, ज्यादा हो गया।